नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं दो पहिया वाहन के मुख्य हिस्सों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें आगे से, तो सबसे आगे है हमारा फ्रंट व्हील, जो मुख्य चार हिस्सों से मिलकर बना है, हब रिम टायर ट्यूब। इसके बाद आता है मडगार्ड, फिर बात करें तो शॉक एब्जॉर्बर, वाइजर, हेडलैम्प। ये नंबर प्लेट होती है फ्रंट, एक बैक साइड में होती है नंबर प्लेट। ये साइड इंडिकेटर होते हैं, ये ब्रेक लीवर है, ये क्लच लीवर है, ये एक्सीलेटर है, ये यहाँ पे इग्निशन स्विच होता है जिससे हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बात करें स्पीडोमीटर की, फिर इसके अंदर होता है ओडोमीटर, फ्यूल गेज, फ्यूल टैंक, यूटिलिटी बॉक्स, इंजन कार्य प्रणाली पूरी, और ये चेसिस हो गया हमारा, ये फुट रेस्ट होते हैं, ये किक है। इसके बाद साइलेंसर, ये टॉर्सन बार विद बॉल स्प्रिंग, ये सीट हो गई, ये रियर लाइट, पीछे की जो लाइट होती है यार। इसके बाद ये रियर व्हील हो गया, ये ड्रम ब्रेक प्रणाली, चैन सेट हो गया पूरा, ये चैन का कवर हो गया। ठीक है, ये आज कुछ मुख्य हिस्से थे जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल के साथ अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।